गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, दिस इज योर सोशल स्टडीज बुक। आई एक्सप्लेन लेसन थ्री। बच्चों, मैंने लेसन थ्री एक्सप्लेन कर दिया था और आज मैं आपको लेसन थ्री का बुक वर्क दूंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइजेज में, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फूड गिव अस टास्क टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें क्या देता है, कोई भी काम करने या खेलने के लिए क्या देता है, तो एनर्जी देता है, तो एनर्जी में हम टिक कर देंगे। फिर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। कौन सी चीजें हमें प्लांट से मिलती है, तो कौन सी चीजें मिलती है बच्चों, फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन सी चीजें मिलती है बच्चों, चीज। वी टेक डैश इन द आफ्टरनून। हम कौन सी चीज आफ्टरनून में लेते हैं, तो क्या लेते हैं बच्चों, लंच। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम इन अ करेक्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आपको प्लांट में दिया है बॉक्स और एनिमल्स में भी दिया है, और ये आपको एक पिक्चर बॉक्स दिया है बच्चों। अब प्लांट्स से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो कौन सी चीजें मिलती है बच्चों, राइस मिलती है, ब्रेड मिलती है, और क्या मिलती है, पल्सेज। ठीक है, और एनिमल से क्या चीज मिलती है हमें, फिश मिलती है, मीट मिलती है, और क्या मिलती है बच्चों, घी मिलती है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको, और मैं आपको अब लेसन थ्री का वर्ड मीनिंग दूंगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। वर्ड को हम क्या कहते हैं हिंदी में बच्चों, सब, और मीनिंग को उसका अर्थ। ठीक है, तो पहला क्या है, फूड। फूड का अर्थ क्या होता है बच्चों, खाना। स्ट्रांग का अर्थ क्या होता है बच्चों, मजबूत। एनर्जी का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा। लाइफ का अर्थ क्या होता है बच्चों, जीना। ग्रो का अर्थ क्या होता है, बढ़ना। हेल्दी का अर्थ क्या होता है बच्चों, स्वस्थ। चीज का अर्थ क्या होता है बच्चों, पनीर। मील्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, भोजन। च्यू का अर्थ क्या होता है बच्चों, चबाना। और वेस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों, बेकार। तो इस तरीके से आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ये आपका वर्ड मीनिंग लेसन थ्री का है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे दे दूंगी, और ये तब तक के लिए आप अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और बुक वर्क वाला बुक में आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।